हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयर साहब। और आज फिर एक नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है ऑनरस गिफ्ट्स, जो कि सेक्शन 127 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 में बात करी गई है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मेरा मोटिव है 100 सब्सक्राइब कर, सबसे पहले 162 हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। तो आप बात करते हैं कि ऑनरस प्रॉपर्टी से समझते क्या है, मतलब वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि अजीब सा वर्ड है, कभी सुना नहीं होगा नॉर्मल लाइफ। ऑनरस का मतलब होता है एक तरह का बर्डन। अब बर्डन किस सेंस में? गिफ्ट ऑफ नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी मतलब कि जिसका बेनिफिशियल ना हो, बेनिफिट ना हो, इस तरह की प्रॉपर्टी। इसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ए जो है इस इलस्ट्रेशन में, ए के पास एक हाउस है जिसकी मार्केट वैल्यू $100 मान लो या 100 रुपए मान लो, नॉर्मल सा है। और उसपे जो टैक्स लग के जो भी ड्यूज रह रहे हैं, वैल्यू चार्ज रह रहे हैं, वो मिला के 150 हो गए। तो अगर ए बी को गिफ्ट करता है, ये घर जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये बी को गिफ्ट करता है, तो उसे इसका बेनिफिट तो होगा नहीं, बल्कि उसे एक तरह से देखा जाए तो उसके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी, उसे 50 और पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम ऑनरस प्रॉपर्टी कह देते हैं, जो कि एक तरह से कहे कि नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं सेक्शन 127 आपका कहता क्या है, उसमें ही मेन बात करी गई है इसके बारे में। अगर इसकी लैंग्वेज हम पढ़ के देखें, ये डायरेक्ट की लैंग्वेज है। वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रांसफर टू द सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग ऑफ विच वन इज एंड द अदर आर नॉट बर्डन बाय एन ऑब्लिगेशन, द डोनी कैन टेक नथिंग बाय द गिफ्ट अनलेस ही एक्सेप्ट इट फुली। पहले पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते कि कहना क्या चाह रहा है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई डोनर है और वो एज अ सिंगल ट्रांसफर करता है किसी भी गिफ्ट का, सिंगल, ये वर्ड याद रखना, जो सिंगल ट्रांसफर है, सिंगल गिफ्ट का ट्रांसफर है, और वो करता है डोनी को, तो ये यहाँ पे ये है कि जो डोनी है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसमें से जो चाहे ले ले और जो चाहे छोड़ दे। अगर सिंगल ट्रांसफर है तो उसे पूरा लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट इट फुली, जो आखिरी वर्ड जो ये तीन लिख रहे होंगे आपको पहले पैराग्राफ के, एक्सेप्ट इट फुली, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो आधा ले ले और आधा छोड़ दे। ये जो है बेसिक प्रिंसिपल अगर हम समझा जाए तो ये है कि अगर कोई नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है और जिसके साथ साथ बेनिफिशियल प्रॉपर्टी भी है, तो अगर कोई दूसरे को ट्रांसफर करता है तो ये तो हो नहीं सकता कि वो बेनिफिशियल रखे नॉन बेनिफिशियल को वापस कर दे। तो इस चीज से बचने के लिए ये जो है सेक्शन 127 का, अगर हम कहें कि इसका डेवलपमेंट हुआ, इस प्रिंसिपल का डेवलपमेंट हुआ। अब बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेटेड एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर टू द सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स, द डोनी इज एट द लिबर्टी टू एक्सेप्ट वन ऑफ देम एंड रिफ्यूज द अदर, although the former may be beneficial and the later onerous। तो अगर यहाँ पे वर्ड को हाईलाइट करें, यहाँ पे है इन द फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफर, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ट्रांसफर हो रहा है डोनर के द्वारा यहाँ पे। लेकिन इससे पहले वाले पैराग्राफ में क्या हो रहा था, सिंगल ट्रांसफर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिंगल ट्रांसफर एंड द टू और मोर ट्रांसफर, इंडिपेंडेंट ट्रांसफर बेसिकली। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट ट्रांसफर है एक या एक से ज्यादा, तो क्या होगा वहां पे, जो डोनी है उसके पास, जो ट्रांसफरी है एक तरह से हम कहें, जिसके जिसके नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके पास ये अधिकार है कि वो एक प्रॉपर्टी को रख के दूसरी को ठुकरा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंसी है, हर एक ट्रांसफर की इंडिपेंडेंसी है। भले ही जो एक प्रॉपर्टी हो वो बेनिफिशियल नेचर की हो, दूसरी ओनरस नेचर की, मतलब कि नॉन बेनिफिशियल नेचर की हो, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो बेनिफिशियल लेके नॉन बेनिफिशियल को छोड़ दे। यही डिफरेंस है पहले और दूसरे पैराग्राफ में। सबसे जो मेन जो डिफरेंस है यहाँ पे है, पहले पैराग्राफ में है जहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं होती, जो डोनी है उसके पास चॉइस नहीं होती, वहां पे है सिंगल ट्रांसफर, ध्यान रखना सिंगल ट्रांसफर। लेकिन जहां पे चॉइस डेवलप हो जाती है वो है टू और मोर इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स इन द नेम ऑफ द डोनी। तो यही आपका सेक्शन 127 बात करता है ओनरस गिफ्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि ओनरस गिफ्ट टू द डिसक्वालिफाइड पर्सन की,
अगर गिफ्ट दिया जाता है तो ऑनरस जो गिफ्ट है, ऑनरस नेचर का मतलब कि नॉन बेनिफिशियल गिफ्ट जो है, प्रॉपर्टी जो अगर आप कंसिडर करें, अगर वो दी जाती है किसे, डिसक्वालिफाइड पर्सन को, एज अ माइनर हो या कोई और किसी भी तरीके से डिसक्वालिफाइड हो, वो पर्सन कंपिटेंट ना हो, तो उसके केस में क्या होगा, अडोनी नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बर्डन बाय एन ऑब्लिगेशन इज नॉट बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस, बट इफ After becoming competent to contract and being aware of the obligation, he retained the property given, he becomes so bound. तो ये जो है, ये कह रहा है, ये पिछले सेक्शन का ही पार्ट है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन को अगर ऑनरस गिफ्ट किया जाता है तो क्या करेगा वो, उसके पास ये अधिकार है कि वो, मतलब कि एक तरह से देखा जाए, अगर उसके इनकम्पिटेंट पर्सन को, डिस्क्वालिफाइड पर्सन को ट्रांसफर करा गया है तो वो यहाँ पे बाउंड नहीं है उसके एक्सेप्टेंस को लेकर, ध्यान रखना वो बाउंड नहीं है किस उसमें, अगर वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, फॉर एग्जांपल माइनर है, लेकिन जैसे ही वो क्वालिफाइड होता है, मतलब कि माइनर जो है वो मेजर में कन्वर्ट हो जाता है, 18 साल से ऊपर का हो जाता है, और उसे पता है कि ऐसे ऐसे मेरे नाम पे ऑनरस गिफ्ट है, और वो उसे एक्सेप्ट करता है, उसे प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, तो वो उससे बाउंड हो जाएगा, अब एक तरह से देखी जाए तो उसकी एक्सेप्टेंस यहाँ पे इम्प्लाइड तरीके से मान ली जाएगी। तो यही बात करते हैं डिस्क्वालिफाइड पर्सन को अगर ऑनर्स गिफ्ट ट्रांसफर करा जाए, तो अब देखते हैं कि मीनिंग क्या निकला 127 का। Where a gift consists of several properties, some of which are onerous and other beneficial, then donee must accept both of them. ये एक तरह से हम कहें मीनिंग या बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब कि अगर क्या होता है तो डोनी को अगर दो प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल लो एक बेनिफिशियल नेचर की एक नॉन बेनिफिशियल नेचर की, तो डोनी को अब क्या करना पड़ेगा, अगर सिंगल ट्रांसफर है, ध्यान रखना अगर सिंगल ट्रांसफर है तब उसको बाउंड हो जाएगा उन दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने में, या तो वो फुली रिजेक्ट करे या फुली एक्सेप्ट करे, अगर वो कुछ पार्ट एक्सेप्ट करके कुछ छोड़ देता है तो वो अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 127 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू।